अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज मैं आपको जिगर की सोजिश यानी हेपेटाइटिस के मतलब बताने वाला हूं। जिगर की सोजिश किस वजह से होती है यानी इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जिगर की सोजिश इंसानों और हिवानों सबको लाहक हो सकती है। तमाम हिवानों में ये मर्ज देखने में आया है, लेकिन जुगाली करने वाले जानवर बतौर खास इसका निशाना बनते हैं। अगर बात की जाए इसकी निशानियों की, इसकी अलामत की, जिगर की सोजिश की अलामत व निशानियां मर्ज की शिद्दत के एतबार से जाहिर होती हैं। जानवर जो इस मर्ज में मुबतला हो उसके दाईं तरफ पेट में दर्द होता है। किस तरफ दर्द होता है? यानी जानवर की दाईं तरफ, सज्जी साइड पे। जानवर की भूख कम हो जाती है, खाना पीना कम कर देता है और दूध की पैदावार भी बहुत हद तक कम हो जाती है। आंखों से आंसू की कसरत से रवानगी होती है, नब्ज तेज होती है और बीमार जानवर अपने दाएं जानब सर घुमाते हुए दर्द की अलामत जाहिर करता है जो उसकी हरकत और चेहरा से अयां होती। इतराफ़े जिस्म कभी ठंडी कभी गर्म, मजल यानी के नाक के नीचे की जो जगह होती है, थूथनी जिसको बोलते हैं, ये खुश्क और ठंडी होती है। गोबर देर बाद खारिज होता है। कब्ज और पेशाब की रंगत जर्दी माइल या गहरी भूरी हुआ करती है। दूध देते जानवरों के दूध की रंगत पीली और जायका कड़वा हो जाता है। जिल्द गर्म और दर्जा हरारत बढ़ा हुआ इस मर्ज की अलामत व निशानियों में शामिल है। जिल्द, जिस्म, कान, आंखों के गिर्द जर्दी माइल रंगत से भी इस मर्ज का पता चलता है। कब्ज और कभी असहाल दोनों सूरतें पेश आ सकती हैं, मगर ज्यादातर कब्ज की अलामत हावी होती हैं। ये आपको जिगर की सोजिश के हवाले से मुख्तलिफ अलामत बताई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आगे भी शेयर कर दिया करें। तो आज यहाँ तक ही इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।